एप्पल के आईफोन के अलर्ट मैसेज से मचा हंगामा। क्या सरकार विपक्षी नेताओं की राज्यों में करवा रही है जासूसी? विपक्ष के नेताओं ने फोन हैक किए जाने का लगाया आरोप। मोबाइल फोन में आए एक अलर्ट मैसेज ने देश में बवाल मचा दिया है। एप्पल के आईफोन का एक अलर्ट मंगलवार को देश में बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। शशि थरूर, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा सहित विपक्ष के कई नेताओं ने एक एक करके सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अलर्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर कर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने तो इसे लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सरकार पर विपक्षी नेताओं की जासूसी का आरोप लगाया। मामले में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार मामले की तह तक जाएगी। विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ आलोचना करने की आदत है। मंगलवार सुबह देश के कई विपक्ष के नेताओं ने अपने आईफोन पर एप्पल की ओर से अलर्ट मैसेज भेजे जाने की बात कही। इन नेताओं का दावा है कि उनका फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है। मामले में एप्पल की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसके बाद तो ये बवाल और बढ़ गया है। एप्पल की ओर से कहा गया कि अलर्ट क्यों जारी किया गया है, इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। यह अभी संभव है कि अलर्ट गलत हो सकते हैं। आईफोन यूजर को जो अलर्ट भेजा गया है उसमें लिखा गया था कि अलर्ट स्टेट स्पॉन्सर्स अटैकर आपके फोन को निशाना बना सकते, आपके एप्पल आईडी से जुड़े फोन को खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि आपको व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाया जा रहा हो। यदि आपकी डिवाइस से छेड़छाड़ की गई है तो हो सकता है कि आपका फोन और उससे जुड़ा डाटा दूर से ही एक्सेस किया जा रहा हो, इसलिए चेतावनी को गंभीरता से लें। इससे पहले भी एक बार एप्पल की ओर से आईफोन यूजर को स्टेट स्पॉन्सर अटैक की चेतावनी जारी की गई थी। 2021 में एप्पल ही नहीं बल्कि गूगल ने भी भारत ही नहीं बल्कि कई देशों के यूजर्स को ऐसा अलर्ट भेजा था। इसके बाद पेगासस का मुद्दा उछाला था। इसमें दावा किया गया था कि इजरायली कंपनी एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस की मदद से लोगों के फोन हैक किए जा रहे हैं। इस खबर में इतना ही। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। यह वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करें ताकि नई खबर का अपडेट आपको मिलता रहे।